इस्तीफे आ गए हैं, बस मंजूर हो गए। सियासी गलती की है उसने, उसका खमियाजा तो उसको भुगतना पड़ेगा। पंजाब का इलेक्शन आने वाले इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब जो है वो लीड करेंगे, हम अलहदा इलेक्शन लड़ेंगे। भैया इस्तीफे आ गए हैं, बस मंजूर हो गए। नहीं तो 40% आपको पता है पार्लियामेंट की खाली हो चुकी है। हाँ तो कोई बात नहीं भाई जान, वो उसने सियासी गलती की है उसने, उसका खमियाजा तो उसको भुगतना पड़ेगा। तो दूसरा आईनी तौर पे गवर्नर साहब इलेक्शन की डेट का नहीं बता रहे, बस वो आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे, और आईन और कानून किसी की ताबे नहीं हो सकता, अपनी किताबों के ताबे हो सकता है, इमरान खान के ताबे नहीं। और इंशाल्लाह ताला पंजाब का इलेक्शन आने वाले इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब जो है वो लीड करेंगे, इसी तरह शहबाज साहब मरियम नवाज साहबा लीड करेंगे अल्लाह ने चाहा, और केपीके के अंदर भी नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा जो है वो लीड करेंगे। तो बिलावल साहब ने ख्वाहिश जाहिर की कि वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा का जो भी उम्मीदवार है उसकी ख्वाहिश तो होती है, अगर उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया तो हमें कोई इतराज़ नहीं करना चाहिए। नहीं तो पीडीएम की तरफ से? नहीं पीडीएम की तरफ से हम अलहदा इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज जो अपनी हैसियत रखती है और इंशाल्लाह कामयाब होगी।